खुद पर बने हर चुटकुले, हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही हैं जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियां औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब ना वो रोकना ना टोकना सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, अब तुम होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर्स की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है, बंक करके पबजी खेल के सोचना जैसे टीचर का ही नुकसान हो गया है। प्रकाश, काश तुम समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है, इस मुसीबत के समय कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसलिए तुम्हारा हाथ इन्होंने थाम रखा है। कईयों की सफलता का ये वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी में साक्षरता की कीमत तुम सीख लो। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में थोड़ी अहमियत तुम सीख लो। मैं जानता हूँ इस ऑनलाइन वाले अजीब से दौर में उन्हें तुमसे उम्मीद बहुत है, और ये भी जानता हूँ कि उन उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीब बहुत है। मगर एक बात तुम भी जान लें, अगर सच लगे तो मान भी लेना, मीलो दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता। सैलरी टाइम पर मिले ना मिले, पर तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविताएं सिखाया करती थी पूरे क्लासरूम में घूम कर, आज उनकी कविताएं मिलती हैं तुम्हें गूगल मीट या जूम पर। वो मैथ के टीचर जिनकी सारी उम्र गुजर गई चॉक और ब्लैक बोर्ड के साथ, आज वो भी पीछे नहीं है इस वर्क फ्रॉम होम के वर्कलोड के साथ, क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन सबका नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए, इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल से दौर में भी जो पढ़ा रहे हैं ये उन वीरों की कहानी है।